मैंने अपने ऊपर भी पढ़ी और तुम्हें तुम्हें, तुम्हें भी फूकी अरे भाई मैं तो दुआ वो दुआ you know दुआ यू नो दैट व्हिच इज नहीं नहीं सफर में थोड़ी है मूसा की दुआ है ना व्हिच व्हिच इज इज अगर आपको बोलने में एक झिझक हो या कुछ हो तो वो दुआ स्पेसिफिकली उसके लिए होती है कि अल्लाह मेरी जुबान की गिरहें खोल दे ताकि वो लोग मेरी बात अच्छे तरीके से समझ सकें दुआ नहीं भूलनी चाहिए अच्छा मैं तीन दफ़ा कुल कुलू सूरह इखलास वो पढ़ती हूं अंदर शदीद उससे अब मैं पढ़ने लगी हूँ असलम एंड वेलकम टू फूशिया मैं हूँ आपकी टेम्प्रेरी होस्ट ये काम आप करो भाई बहुत कर लिया बहुत वेलकम टू ये वो फलाना बस नाउ आई लाइक द गेस्ट हे गाइस अस्सलाम वालेकुम दिस इज़ राबिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फूशिया मैगजीन और आज मेरे साथ स्टूडियो में है द वन एंड ओनली

Oh हो, बे, बेशक हो. <laughs> चार चाहिए आसान बात अच्छा अच्छा. वो पहचानी जाती हैं अपनी खूबसूरत अकवाल और अपनी खूबसूरत यू नो एक जो उनकी uh, बहादुरी है वो डरती नहीं है कुछ भी कहने से मुझे सबसे अच्छी बात यह लगती है जो दिल में आता है वो बोल देती हैं एंड शी इज़ नॉट शी इज़ नॉट स्केर्ड बट लेकिन किसी का दिल नहीं दुखाती हैं सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है मॉडलिंग uh, में उन्होंने एक स्टैंडर्ड uh, स्टेब्लिश कर दिया है जो हमेशा रहेगा और आने वाली बहुत सी मॉडल्स आई थिंक उनको देख के लर्न करेंगी और सीखेंगी um, ड्रामों में वो आई हैं कभी हमें हंसाती हैं कभी रुलाती हैं गुड <laughs> मैं अच्छा नहीं करी क्या चौथी रहती है अभी वैसे तो तीसरी रहती है लेकिन खुशी <laughs> <नहीं, तीसरी थी। laughs> मतलब ड्रामों में वो इतनी खूबसूरत एक्टिंग करती हैं कि हमें हंसाती भी हैं और रुलाती भी हैं माई फेवरेट इज़ हर रोल इन आंगन आई जस्ट लव्ड हर एंड सिंस देट टाइम आई वांटेड टू सिट अक्रॉस हर एंड हैव अ कॉन्वर्सेशन जो आज मुझे चांस मिल रहा है चौथी चौथी बात यह है कि मुझे लगता है कि वो जनरली बहुत ही अच्छी इंसान है जब वो आती हैं तो एक पॉजिटिविटी आती है और आप मुस्कुराते रहते हैं

इनफैक्ट वो इंस्टाग्राम देख के मुझे बड़ी पॉजिटिविटी की फीलिंग आई और मैंने उनमें से बहुत से जो आपने शेयर की हुई थी चीज़ें उससे मैंने कहा ये अच्छा है ये सुबह मैं देखूँ तो मेरा दिन अच्छा गुजरेगा इसको देख के यू नो अबाउट द इंस्टाग्राम ट्विटर इज़ रियल मीनो फेसबुक इज़ फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड इंस्टा इज नो मैटर हाउ आई एम फीलिंग और मैं बल्कि जितना शाइनी हैप्पी पोस्ट होगा ना उतनी अगर मैं सैड फील, तो फील कर रही हूं तो मैं कह रही हूँ कि अगर मैं फील कर रही हूँ मे बी देपल वो फील फीलिंग लाइक सो मैं अपने आप को भी इंस्पायर कर रही होती हूँ और बाकियों के साथ भी। क्योंकि मुझे अच्छा लगा जो आपने बातें लिखी हुई थी ना मैं आपके इंस्टाग्राम पर पढ़ रही थी और वैसे भी मैंने जो सुना है आपकी बातें मतलब दो तीन चीज़ें जिनमें मेरे सवाल भी हैं वो मुझे इतना टच की इसलिए मैंने अकवाल बोला और फिर आपने एकदम से मुझे ऑन स्पॉट कर दिया तो, तो थोड़ा सा तो घबराना बनता है ना मेरा तो जैसे आपकी एक बात ना आपने कहा मैं ये चाय बन के आई है और मैं चाय पी रही हूँ मुझे इस बात की खुशी है मैं मजाक नहीं कर रही हूँ जैनब आई वॉज़ रियली इंस्पायर्ड एंड इट रियली इंट्रीट मी ये कैसे है क्योंकि मैं वो इंसान हूँ जो सूट अगर सही नहीं बना बना ना तो मैं गुस्से में आ, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है 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 सूट नहीं आई like, यार दिस मुझे मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा बनना करना है कि कि चॉकलेट आ गई आप आपका यू you नो know, आज टीवी पे अच्छा ड्रामा आ गया यू yes, like, तो जानना है आप ये कैसे आपने किया यार, में? मुझे लगता नहीं है नेचुरली हो सकता है नहीं, Uh, उसके बाद लाइक वन आई वॉज यंग पूरा था ना टू कॉन्क द वर्ल्ड और मैं mm. ये करूँगी वो करूँगी फलाना लेकिन आफ्टर अ वाइल यू फील के ये जो बड़ी बड़ी जो आपके जो बेंच uh, मार्क्स uh, आपने अपने लिए रखे हुए गोल्स रखे हुए टीक एट वन डे एट अ टाइम बिकॉज लाइफ इज सो अनसर्टन आज येस आई मेड इट ऑन टाइम आई अप मैंने अपना मेकअप खुद किया जो बहुत अच्छा, और, बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से बस uh, मेरी मेकअप आर्टिस्ट ना देखें और uh, मैं you 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 are right now comfortable मुझे पहले पता nice. नहीं ऐसा भी नहीं है एक्सट्रीम्स पे नहीं जाए मिडिल लेवल नहीं तो आ, तो फिर अच्छा ये लगता है कि कोई छोटी-छोटी भी बात हो ना उस पे भी माइनर मुझे लगता है कि एक हमारा इनर आई है जो जो आपकी आई फील दैट अगर आप उसको खुला रखें ना तो आपको आसमान पे बारिश गिर रही है बादल आए हुए हैं छोटी-छोटी चीजों से आपको खुश हो जाना चाहिए अगर आप मुतमईन हैं ओके okay. so, लेकिन बैलेंस कैसे होता है अगर कोई फॉर एग्जांपल एक कोई चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रही थी वो डिसअपॉइंटमेंट बहुत स्ट्रांग आपको आ रही है लेकिन बाहर बारिश हो रही है लेकिन अंदर तो बाहर जाकर बारिश तो, तो उसमें बैलेंस कैसे करेंगे अब करके मैं बारिश में क्योंकि वो कहते हैं कि रहमत की बारिश होती है और आप जितनी भी दुआएं पढ़ सकते हैं और आप दुआ करें तो वो hmm. कबूल होती है तो अल्लाह को नियत पता होती है लाइक आई एम रिलीजियस बट आई मीन दिस इज़ लाइक अ डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरव्यू बट लाइक आई सीरियसली फील कि uh, अगर अगर आपको पता है ना कि अल्लाह इस खैरुल खैरमाक्रीन ही इज़ द ग्रेटेस्ट प्लानर तो अगर मेरी ज़िंदगी में अच्छा कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला या कोई और कोई चीज़ हुई तो मैं कहती हूँ कि ही इज़ गॉट समथिंग बेटर प्लान उससे कोई भी आपका फेलियर रिजेक्शन जो है ना वो मुझे वो फेलियर और रिजेक्शन नहीं लगती मुझे लगता है ओ इसका मतलब है कि अल्लाह कुछ बेहतर कर रहा है या hmm. कोई बड़ी आफत टल गई है सबर कैसे आता है हा मतलब ये नहीं हुआ दूसरी चीज़ नहीं हुई तीसरी चीज़ नहीं हुई चार चीज़ें एक साथ नहीं हुई अदर hmm. साथ भी नहीं वन आफ्टर रही करिए पहली के बाद दूसरा हो जाएगा दूसरी के बाद तीसरा वो भी नहीं हुआ तो कहाँ कैसे how do you manage that? That? से लाने पहुंचती हूँ okay. you know, आपको किसी चीज़ में किया hmm. या कुछ, या, कुछ नज़र लग गई है नजर तो प्लीज ऑफरिंग लगती है बट जैनब जिंदगी में कुछ हुआ कोई एक टाइम आया जब आपने सोचा कि अब आगे जाके मैं अपना एटीट्यूड ऐसे रखूंगी ये मैं मैं अंदर का जो इतमान है उसको उसको ज़्यादा फोकस करूँगी हर या, वक्त या, नहीं, okay. वक नहीं मैं पीस डव अमन सलामती uh, कभी कभार मुझे मुझे ना बहुत बड़ी क़्यामत आ जाएगी ना कोई hmm. तो uh, उस पर मुझे सब्र आ जाएगा छोटी छोटी चीज़ें जी अच्छा कि वो कॉफ़ी में उन्होंने चीनी वाला चम्मच हिला दिया ना लेज़ीनेस में सेट पे तो मुझे वो होगा कि अगर मेरा रैक नहीं है, है। या गलत कपड़े पहना दिए तो

ओके okay. तो उस तरह से तो शी वॉज एल्डर, एल्डर सिस्टर थी हमें में वो गाड़ी चलाती थी और बहुत बहुत मजे का टाइम okay. तो से मुलाकात ऐसे वहां हुई। से दो बहन आप, उनकी जो है वो आपकी छोटी आयशा जी तो वो आप लोग मदद कराने फैशन शो पे पहुंच गए नहीं आयशा तो मॉडलिंग कर रही थी अच्छा आयशा तो आई वॉज पीछे वाली हेल्पर आप क्यों पीछे बिल्कुल जीरो जाऊंगी भी बिल्कुल भी नहीं हेल्प uh, करनी थी दोस्त की बड़ी बहन की भाई फैशन शो था तो भाई आपने भी करना है okay. वो मॉडल्स कम हो गई तो उन्होंने mm -hmm. कहा कि जी तुम भी और विनी आई डोंट नो हाउ टू नहीं क्या है बस सीधे खड़े हो और मॉडलिंग uh, करो नहीं यही कह रही थी मॉडलिंग में तो बड़ी आपको वो यू नो एक तो कॉन्फिडेंस बहुत चाहिए पहली बात ये इतने लोगों के सामने वॉक करना फिर uh, एक पॉस्चर चाहिए होता होता है। होता है। आप क्योंकि आप किसी को देख भी नहीं रहे आप आगे देख रहे हो लाइट्स

तो um, uh, और दो नए लड़के आए हैं शेखुपुरा से hmm. oh, wow. तो hmm. उस वक्त से बस so, आप सब एक साथ माई फर्स्ट शूट ओके लेकिन जब पहली बार पे वॉक कर रही थी आप तो तब क्या ख्या... मतलब no, like क्योंकि मैं जरा नर्वस हूँ मतलब मुझे अगर अपने दोस्तों से भी मिलना है उससे पहले अच्छा क्या तैयार होकर तो अगर घर पर वो अलग है लेकिन एक वो इमेज वाली चीज़ इंस्टिल हो जाती है ना देट लाइक वो पीपल विल सी यू एंड जज यू तो ऑल दो आई डोंट रियली केयर एनक शैनक पहनकर लाइक ईजी फील बट स्टिल तो वो ये होता था कि राइट बिफोर द रैम्प ना मतलब कि वो जब पंद्रह uh, मिनट भी रह गए वो सब तो मैं इधर उधर होती थी और ये वो कोई कुछ पूछ लेना कि अच्छा इसमें क्या करना है चुप कर जाओ huh. ये वो फ़िलहाल फिल्म होती थी ना होती थी yeah. रैम्प पे मैं पहला पाँव रखती थी ना खत्म लाइक आई वॉज इ प्लेस बड़ा मज़ा आता था uh, फिर एक वक्त वो आया कि जब मेरा लास्ट होता था ना उस वक्त मैं खुश होती थी कि अच्छा शुक्र फिनाले उस वक्त मैंने रियलाइज़ किया कि वाई एम आई डूइंग समथिंग व्हिच इज़ नाउ नॉट गिविंग मी इट्स इट्स गिविंग मी स्ट्रेस इन ऑफ दैट अड्रेनल रश ये ओवर द टाइम हुआ ओवर द टाइम आफ्टर माशाल्लाह वैसे भी मतलब पंद्रह बीस साल के बाद आई डोंट नो घर से कोई रेजिस्टेंस नहीं आई थी नहीं और एक मुझे अम्मी की अच्छी बात लगी हालांकि मतलब कि, कि uh, मामा वज मार्शल एंड एम ए बी एड एंड मगर उन्होंने खानदान लाइक इन लाहौर उन्होंने सबको कह दिया था लाइक शी टोल्ड ऑल माई कजन इन एवरी वन डेट मैं इसको इजाज़त दे रही हूँ okay. तो कोई भी बात नहीं करने की ज़रूरत उससे पहले मामा हुँ. भी कच्ची गोलियाँ खेलती थी मिसेज़ फालबूस के पास गई क्योंकि मैं उस वक्त सेकेंड ईयर में थी

को, uh, इस साल नवंबर को में उनकी फिफ्थ डेथ एनिवर्सरी yeah. और मुझे तो लगता है कि अभी कल हुआ है know, yeah. बहुत, ये, मुझे लगता है ये तो एक ऐसी चीज़ होती है आप कभी Forever. भी यू कैन नॉट गेट ओवर इट इन हर मोमेंट पे हर बड़े दिन पे हर इंपॉर्टेंट इवेंट इन योर लाइफ बिल्कुल और नवंबर दिसंबर जरा भारी होते हैं बिकॉज थर्टीथ नवम्बर को मामा और फर्स्ट दिसंबर को oh. अबू सो इट्स जस्ट बट यू वही चीज़ ना कि इट डजन गो अवे बट वी लर्न हाउ टू कैरी ऑन विद आउट ड्रीफ ये ये इंसान की अल्लाह ने बनाया ऐसा है कि राहें मुझे on. समझ नहीं आती जब लोग कहते हैं ना कि नहीं उनकी यादें ज़िंदा हैं यादें ज़्यादा पेनफुल होती yes. हैं yes. कि मुझे लगता है कि यू नो मैं नॉर्मल हूँ मैं दुआएँ डेली yeah. दुआज अम्मी hmm. uh, मामा और अबू के लिए पढ़ती हूँ मगर मुझे लगता है कि जब मैं याद में जाती हूँ ना वो एक डाउनवर्ड स्पाइरल है कि जितनी हैप्पी याद होगी इट ऑलवेज़ कम्स बैक टू शी इज़ गॉन फॉर एवर आई विल बी लाइक कयामत पे मिलेंगे उनके नाम से Mm -hmm. so, uh, बस बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात बोली आप सही कह मुझे मैं भी यादों का दरवाजा बंद कर देती हूँ जी मुझे लगता है यादों पे जाना पेनफुल होता है बहुत ज़्यादा क्योंकि आपको फिर वो चीज़ चाहिए होती है ना आप और याद करते हैं और ये और ये हाँ। है इत, इतना ही मिलना था yeah. वो बहुत तकलीफ बट यू फील लाइक कि हम ये जो मैं और बात करी हमारा ये वो एटीट्यूड है कि हमने एक तरह से हम डिनाइल में हमने एक तरह से वो हम कह रहे हैं अच्छा हमने इस साइड पे देखना ही नहीं है कीप मूविंग ऑन जिंदगी में आगे चलते रहो ताकि हमें पेन तकलीफ़ नहीं हो फिर टाइम heals आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाती है देखो आपसे बात कर कर आई कैन जस्ट शेयर मगर जो आपको सुकून मिलता है सजने में और अल्लाह hmm. मियाँ से उनसे बात करें कि अच्छा मामा की रूको कहें क्या आई मिस है और मतलब जो भी हो वो अल्लाह के थ्रू और सजने में बहुत सुकून है तो मुझे ये फील होता है लाइक माई फ्रेंड्स कम्प्लेन के यू डोंट शेयर लाइक योर वारीज एंड वट मैं छोटी hmm. छोटी स्टूपर बातें बोल बिकॉज आई फील के दौनली पर्सन हु केन डू सम्ला तो उनके साथ कॉन्वर्सेशन तो उनके साथ चल रही होती है अल्लाह तक जी क्या बात करती हैं सबसे बस हर वक्त शुक्र भी करी होती हूँ माफ़ी भी मांग रही होती हूँ फिर मैं दिमाग में कह रही थी अच्छा ये ये है अच्छा ये वो और फिर दुआएं दुआओं के थ्रू के अच्छा सुने ना <laughs> तो उस तरह से हाँ। ये वैसे आपके दोस्तों ने एक इंटरेस्टिंग बात बोली है क्योंकि जब मैं आपके इंटरव्यूज भी सुन रही थी तो कोई आपसे बड़ा उस तरह वाला सवाल पूछता था ना जिस जिसपे कुछ कॉन्ट्रोवर्शल बात हो सकती है या जिस जिसपे कोई स्पाइसी बात हो सकती है आप ना उसको बिल्कुल ऐसा ट्विस्ट देती नहीं चाय पानी चॉकलेट यू नो ये हरा भरा गार्डन तो ये मुझे लगा उधर भी कि मैकेनिज्म शायद वो है आपका या कि यू डोंट वांट टू गेट इनटू दैट नो बिकॉज द थिंग इज़ के फॉर रेटिंग्स या मतलब के फॉर एनीथिंग हमारे इमोशंस और जो मैं फ़ील करती हूँ वो बहुत प्रेशर्स और बहुत वैल्यूबल है और मेरे लिए बहुत स्पेशल है आई डोंट वॉन्ट इट टू दिस माई फीलिंग्स आर नॉट इंस्टा इट्स नॉट सोशल मीडिया सो इसलिए हाँ तो दीवार है खड़ी भी जैनब या ओके हुई और जैनब जैनब इज द इमोशनल ओवर जज्बातीजू कर टेक्स ओवर

अगर वो थोड़ी सी है ना लोगों को हाँ, देखिए लोग क्यों आपका स्ट्रेंथ दे इंस्पायर करें इंस्पायर करें yeah. उनको शाइनी हैप्पी बातें करें mm -hmm. कि जो डाउन होकर यूट्यूब पे देख रहा है ये वो ये ना कि ओ माय गॉड और वो भी अपने डाउनवर्ड स्पायर yeah. में नो यू हैव टू जितनी ज़िंदगी अल्लाह ने दी है जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड यू जब आप शुरू होते हैं ना कि ग्रेटफुल क्या आई एम हैप्पी फॉर दिस कॉफ़ी मैं okay. ये सीख के आपसे इनकॉप्रेट करने की कोशिश कर रही हूँ अपनी जिंदगी में सीरियसली मैं बता रही हूँ मुझे वो इतनी, छुड़ बात इतनी क्योंकि मैं बहुत छोटी छोटी बातों हो बहुत ना शोर मचाती हूँ हाँ? अच्छा ये बताएं आप कराची में पैदा हुई थी कराची में पढ़ी थी फिर आप लाहौर शिफ्ट हो गए ओ ले में शिफ्ट हुई लाहौर और उसके बाद बहुत पानी ले कर रहा हूँ नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ हाय कितनी अच्छी बहू पानी <laughs> लेकर <कराँग> आओ जीती रहो हेलो जरूरत नहीं है <नहीं> प्लीज <laughs> तो आ, नहीं क्योंकि यहाँ पे मैं कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी में थी <laughs> क्रिएट्स और uh, uh, मुझे मैं उस वक्त सोची थी मैं डेंटिस्ट्री करूँगी तो उसके लिए एफ चाहिए था और मैं चूँकि कराची में कॉन्वेंट ऑफ जीजस मेरी की स्टूडेंट uh, yeah. रही हूँ जिंदगी yeah. भर और द ओनली आल्टरनेटिव आई लव यू आमो एंड ऑल माई अदर फ्रेंड्स एक्चुअली वेंट टू सेंट जोजेस बट आई डेंट नो यू एट दैट टाइम तो वो सेंट जोजेफ वॉज द ओनली अदर कॉलेज तो मैंने कहा ये मैं अपने चीफ राइवल कॉलेज में तो नहीं जाऊँगी मैं शहर ही छोड़ दूँगी oh

टेस्ट अच्छा <laughs> उसके बाद उन्होंने जो एफ की वो जो जो दिखाया ना कि क्या क्या चीज़ें तो मैं कहा अच्छा उस वक्त मैंने मामा को कुछ नहीं कहा क्योंकि <laughs> मैं तो लेकर आई हूँ केमिस्ट्री बायो मैथ अच्छा एंड बट इफ यू वॉन्ट एफ ग्रेड्स आर परफेक्ट फॉर एफ आई से डन आई सेट ये मामा मुझे देख रही है कि मतलब डेंटिस्ट्री ये वो आई से बिल्कुल uh, हाँ, हाँ, वो, वो, आपने ना? ना, हाँ. जिस तरीके से चीजें हो रही है आपको लगा यह क्या मुश्किल होता है क्यूँकी बड़ी डिफरेंट मुझे सुनो मैं सिटीज है जिंदगी लाइफ स्टाइल हर चीज लाहौर बस फैबुलस सारी पार्टी वहाँ की जब हम बड़े हो गए कॉलेज yeah. कॉलेज uh, uh, के फ्रेंड्स का एक फ्लेक्स ही अलग होता है yeah. uh, वो सब कुछ किया लेकिन uh, जब कराची में काम किया ना कराची की एक पल्स है yeah. और एक वाइब uh, है कि हाँ हाँ मैं डबल शिफ्ट भी कर लूंगी और ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा लाहौर लैंड करते वक्त मैं सोचती अच्छा मामा को कहूंगी करी चावल मतलब ज़ोन में लाहौर इज लाइक चिल लाइक यू नो आप फ्रूटर खाएं जो कराची में नहीं मिलते <laughs> आप हीटर के पास बैठे नहीं मिलते कहाँ मिलते, मिलते हैं भाई अच्छा जब तो हाँ, तो तो हाँ, हाँ, बड़े अरसे से, लेकिन मुझे तो तो फ्रूटे खाए में, मैंने, मुझे पता है अच्छा आप ऐसे नहीं बोलिए मेरा कर... भी है आज आई लाइक द फैक्ट Do you yeah. know what I mean? No matter what the guest comes as, uh, and I love that you have a very distinct kind of uh, fashion sense and everything, and looking so nice, Mashallah Thank you so much. Actually, today when I came here, I thought I should wear a sherwani. Why didn't I wear it? And I was thinking, I should message ZQ and ask them because ZQ is so.

मुझे कॉमेंट्स में बताएं कि क्या नाम होना चाहिए जिक्यू का <laughs> पाकिजा पप्पू <फुपो? laughs> <laughs> कितना मज़ा आता है ना बहुत मजे oh. के hmm. मुझे आ, हर प्रोजेक्ट से इश्क होता है आई लव एक्टिंग कोई भी कैरेक्टर हो ऑल दो आई लाइक विलन वाले ज्यादा hmm. आ, और हर सीन जो है ना वो ऐसे मैं करती हूँ जैसे ये मेरा लास्ट सीन है okay. और उस सीन में आपने मैक्सिमम Uh, अपना जो भी मतलब है नॉट ओवर एक्टिंग मगर वो म, बस आपने कर देना okay. उस तरह से तो uh, जिन्हफ कब डिसाइड किया या कब आपको रियलाइज हो कि मुझे एक्टिंग करनी है मुझे एक्टिंग में मज़ा आता है बिकॉज यू वर अ मॉडल फिर आप शो करी होस्ट कर रही थी फिर एक्टिंग आई राइट right? बिल्कुल दिस इज हाउ इट और शो होस्ट कर रही थी और वो मैंने काफ़ी कोई उसका नाम था मोन्टास आई थिंक इंडस पे चलता था हुँ. और uh, मैं फिर बोर हो गई कि मैं सिर्फ कैमरे में यूं देख कर अच्छा हुँ. तो व्यूअर्स ये देखें और इस तरह से जैसे मैं बात मैं कर रही हूँ मैं क्या नहीं अब मुझे थोड़ा सा कुछ uh, बोर भी ज्यादा जल्दी हो जाती हूँ ना तो आई वॉज नो नाउ आई वॉन्ट इंटरेक्शन ऑल दो आई थिंक आपने भी ये सुना होगा कि सर ने मुझे आपने बताया था था ऑफर किया तो उस वक्त नहीं लिया आई लेकिन ख्याल

एक्टिंग करते हुए मॉडलिंग में तो बहुत दफ़ा पिक्चर्स और सब देखी होंगी लेकिन वो बोलते हुए और अदाएँ मतलब अदाएँ भी नहीं एक्सप्रेशन देते हुए तो क्या सोचा मैं बहुत कॉन्शियस हूँ आपको पता है कि आज तक मैं सेट पे भी जब वो मेकअप मेरे मेकअप आर्टिस्ट को पता है कि असिस्टेंट ने शीशा नहीं दिखाना ना मैं मोनिटर देखती हूँ मैं कहती हूँ कि ये जो मुँह और बाल है ना ये आपके मेकअप आर्टिस्ट को कह देती हूँ अब मैं अगर बुरी लगूँ अच्छी लगूँ ये आपके ऊपर है और डायरेक्टर के ऊपर है इसमें मेरा कोई से नहीं है अलबत्त डराने के लिए मैं कहती हूँ कि अगर मैं बुरी लगी तो एक दिन घंटी बजेगी

अभी भी नहीं देखती अभी भी अब अगर कोई आपने लगाया या कोई वायरल हो गया और मुझे टैग कर दिया तो मैं देखती हूँ वरना नहीं तो आई फील के फ्रेश ऐसे रहती हूँ मैं लेकिन फिर आपको ओवर द टाइम पता कैसे चलता है कि ओके okay, मुझे अपने आप को ऐसे इम्प्रूव करना है जब तक आप अपनी परफॉर्मेंस मैं दूसरों है। को देखती हूँ ना पीपल आई एडमायर मैं उनको देखती हूँ और बट स्टिल उनको देख के आप चीज़ें पिक होंगी लेकिन आ, अपने आप को भी तो देख के देखिए मैं अपने डायरेक्टर की रोजी पे क्यों okay. लात मारो एवरी डायरेक्टर हैज़ अ डिफरेंट फ्लेवर हैज़ अ डिफरेंट माइंडसेट सेट इज़ ऑन अ डिफरेंट वेवलेंथ एंड अ डिफरेंट रिक्वायरमेंट मैं जाती हूं एम्प्टी कैनवस और एज प्लास्टर सीन ठीक है कि सही? जो डायरेक्टर को चाहिए uh, वो मैं करूंगी दो तीन दिन जब मैं कैरेक्टर में हो जाती हूँ देन आई फील कि अच्छा अब मैं शायद इतनी सी लाइक हूँ कि मैं कहूँ कि सर मुझे लग रहा है कि इस सिचुएशन में वो ऐसे बोलेगी एंड आई आई बेन ब्लेसड विद द मोस्ट अमेजिंग काइंड ऑफ डिरेक्टर्स जो कहते हैं कि अच्छा नो बिकॉज ऑफ वट एवर और कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं है आइडिया mm -hmm. देना है वरना वो यहाँ रह जाएगा ना तो उस तरह mm -hmm. से mm -hmm. तो इसलिए फिर मैं मैं वो कोई प्री कंसीव नहीं रखती okay. क्योंकि बहुत पहले शुरू में मैं कहती थी ओ oh, अच्छा वो ये ब्लोअर होगा आप स्लो मोशन में आऊँगी वो चीज़ें नहीं होती mm -hmm. तो फिर आप डिसंट होते कि <laughs> ये तो नहीं मैंने कहा था ये क्या तो हुआ है? ग्लासेस जुड़ा बना के बात कर लू <laughs> अच्छा no यहाँ uh, like cool, सब हाँ. कुछ हो गया तो अब अगर आई एंजॉय आई ना अगर गरीब रोल है makeup, yeah. मैं बड़ी खुश होती हूं hmm. क्योंकि फिर मुझे होता है कि लोगों को तवज्जो जो है ना वो कपड़ों और उस पे नहीं होगी जो हमारा होता है कि जी रिच पर्सन ये 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 चीजें और वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पास एक्टिंग है देने के लिए व्यूअर को दिखाने के लिए तो उसमें मैं हालांकि जो दुखी आत्मा वाले जो मेरे हैं ना वो लोग कहते हैं आप क्यों हमेशा नेगेटिव करती हैं मगर वो जो मेरे दुखी वाले हैं जो ग्लिसरीन स्पॉन्सर्ड होनी चाहिए रो रो कर हर उसमें और जी नहीं आप बेटे से ऐसे नहीं बात कर क्यों असल होती है ना रख कर नहीं नहीं मगर आप जी क्यों नहीं हैं ना आपका कैरेक्टर हाँ बेटा ठीक है जो तुम कहो वो किसी को याद नहीं रहते नहीं क्योंकि इसमें मार्जिन ज़्यादा है ना वो जो दिल में हो रहा था वो भी फिलबदी निकलता है True. हाँ शेरू ने एक दफा मुझे हाँ। राम पे और मैं उसको कह रही हूँ कि शेरू ये साड़ी आ, मैंने अभी तक नहीं हाँ। की और मैं चल रही हूँ और मुझे फील हो रही है कि वो अनबल हो रही है मगर वो मैंने बस यहाँ से पकड़ी हुई थी और शेरू शेरू को पीछे बता दिया था ना हेल्पर ने तो शेरू भी साथ साथ जा रहा था और और <laughs> uh, मैं ना स्माइल रही थी कि बेटा तू पीछे तो आ ना मैं तुझे बताऊंगी uh, उस तरह हाँ। से चीज़ें फिर न्यू डिज़ाइनर्स हाँ फिर न्यू डिज़ाइनर्स में जी जी क्यों पहनेगी ब्राइडल फर्शी गरारा बेचारी आज मतलब अब नहीं उस वक्त दर्जी बैठा कर यू नो एवरी एनी वन हुड कैपिटल तो जी फर्शी गरारा तो था लेकिन वो आगे से भी फर्शी <laughs> था, से भी तो बस आप सोच लें कि जैसे बस बहुत सी चीज़ें हुई हैं

आपके पास मैक्मम सिक्सटी या अगर आप लकी हैं तो सेवेंटी फाइव wow. सेकेंड्स हैं और जब Change. आप उतारते हैं ना तो जो खराशे oh. जरदोजी और उससे मुंह पे भी स्क्रैचेस पड़े होते हैं कभी कभी कान के इतने भारी होते हैं कि वो uh, स्टार्ट ब्लीडिंग ऑल्सो hmm. बहुत सी चीजें होती हैं बट यू लाइक द शो हैज टू दूस हार ये वो बीच में स्किन आ गई है ख्रिच oh. बहुत सी चीजें आपने कहा था तो मैंने कहा थोड़ा सा जरा भी तो तो ये बट आई इट बहुत मज़ा आया अब अगर मुझे आप कहें अगर मुझे कोई उस वक्त कहता है, तो मैं कहती नो वे दिस इज़ इट मगर अब अब मुझे लगता है कि वो जैसे वो नॉट टू पुट डाउन मॉडल्स एनी थिंग इट्स अ डिफरेंट इंडस्ट्री इट्स अ डिफरेंट फील्ड इट्स अ डिफरेंट एज एंड देन आप जैसे वो ना कि आप जब, आ, जब सही वक्त पे आप मॉन्टे सीरी जाते फिर mm -hmm. आप कॉलेज उसके बाद यूनिवर्सिटी तो ये जो है ना इसके बाद क्या आप एक दिन में हम लोग कोई सत्रह सीन कर सकते हैं विचार इमोडलाइज यूट्यूब पे कहीं आपको लगता है कि आपने कुछ कुछ किया है mm -hmm. तो वो उतने ही टाइम में अगर आपने आर्ट आउटफिट कर लिए या अगर आप लॉन्ग कैंपेन कर रहे हैं इट वॉजेंट सो अब आप जाकर नहीं था उस एक पॉइंट आया कि क्योंकि ग्रोथ होती है ना तो आपकी भी ग्रोथ हो गई इसका मतलब ये नहीं कि हम उस प्रोफेशन या उस चीज को इंडस्ट्री को लॉकडाउन कर करें हर किसी का ही मेरा अपना है हाउ कैन आई बिल्कुल तो यू नो मैंने कहा क्लियर कर दू मुझे लगता है मॉडल्स को कभी कभी लोग जजमेंट करते हैं यू नो थोड़ा सा होता है ओ मॉडल है यू नो कैसी है? Model है क्या मतलब नहीं मुझे लगता है मॉडलिंग के प्रोफेशन को hmm. अक्सर जजमेंट दी जाती है और कैटेगराइज किया जाता किया जाता है कि खूबसूरती है शायद दिस इज ऑल देयर अबाउट यू नो आपको उस वक्त फील होता था जब आप ये करी थी कि ये, ये सिर्फ ये नहीं था कि बिम्बोज तो कुछ और ही था कि वो तो कभी शादी नहीं होगी रेपन खराब exactly, हो जाएगी मैं इतनी ब्लंटली नहीं बोलना चाह रही थी कि मैं मुझसे खुलवाया नहीं, नहीं? <laughs> ये किस तरह आप... की मेहमान नवाजी है राबिया आप खुद ही बोल रही है मैंने थोड़ी बोला था ये बोले मैं तो सवाल का जवाब जवाब दे खुलकर बोले ना या फिर ना आपको लगता है तब आप लोगों ने ये फेस किया और अभी भी ये होता है या इट्स चेंज्ड नाउ आई थिंक इज चेंज नाउ एंड ऑल्सो बिकॉज इतनी लड़कियाँ यू नो चेंज ओवर कर रही हैं फ्राम मॉडल्स देयर कमिंग टू एक्टिंग आई फील एक चीज़ जो ऑटोमेटिकली uh, मिल जाती है जब लाइक यू नो मैन कास्टिंग के लिए या वो इज़ दैट एक जो सीखते हैं हम कोई पैदा नहीं होता उस तरह से पला बलाया एक mm. ग्रेस uh, आ जाती है हाउ टू कैरी योर क्लोथ वॉट टू वेर एक सेंस तो वाड्रोब की तरफ से बहुत रिलीफ मिलता है okay. प्लस कॉन्टैक्ट्स लाइक like, मुझे course. याद है माचिस और जब yeah. भी मैं जब मैं हीरोइन के रोल करती थी उमर सईद से ले लिया नोमी अंसारी yeah. के और ये आपके मॉडलिंग के एक्सपीरियंस की वजह से आपको फ़ायदा हो रहा है एक्ट्रेस कॉन्टैक्ट्स हैं सो लाइक वो <coughs> ब्राइडल के के वक्त यू शे, नो yeah. you know, yeah. शेरू हो गया नोमी हो गई कारमा सो लाइक उस तरह से भी बहुत आसानी होती थी उस तरह की सारी चीज़ें इस्स्थेटिकली आपने ये भी कहा कि जब मैंने एक्टिंग की तरफ आना शुरू किया तो मैंने स्लीवलेस छोड़ा मैंने एक एफर्ट की अपने आप क्यों आपको लगा कि आपको एक्टिंग में आने के लिए ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी बिकॉज uh, हम लोग जहाँ पे हम uh, काम कर रहे हैं ओबियसली और मैंने बड़े हॉल्टर्स और वो सब साड़ियों वाले एज ए हीरोइन वो पहने okay. अब अगर अवार्ड सेरेमनी है या जैसे लक्स स्टाइल अवार्ड होता है या कोई भी अवार्ड सेरेमनी है मेरे प्रोड्यूसर्स मेरे डायरेक्टर्स भी हैं उनके साथ में इस तरह से होती थी okay. uh, तो मुझे बस लगा कि अब मुझे मॉडलिंग नहीं करनी अच्छा okay.

अच्छा uh, ठीक है गरीब वाला उस तरह से होता था hmm. तो आपका तो ऐसा होना चाहिए ना कि आप कुछ भी कर सकें तो वो वो फिर आप रिस्ट्रिक्टेड थे okay. वो ग्लैमरस और okay. ये वो hmm. नहीं दैट्स नॉट द इमेज दैट यू यू वांट टू बी वही चीज़ ना कि प्लास्टिसन कुछ भी कर लो yeah. वो सैड सी बात है कि हम लोग जजमेंट बहुत जल्दी ले लेते हैं परसप्शनस को हम लोग चेंज करने के लिए इतनी आसानी से तैयार नहीं होते हैं you know? हाँ मगर वो अंदर की चीज़ है आप आप किसी चीज़ पे अगर आप अटल है और आपका ये सोच है आपकी एक बैक स्टोरी है आप आपकी एक इन्वायरमेंट है जिसमें आप बड़ी हुई हैं आपकी एक तरबियत है मेरी कोई और है मुझे लगेगा कि मेरी बात सही है आपको लगेगा कि आपकी बात सही है तो लेट्स जस्ट कुछ चीज़ों में अग्री टू डिस में अग्री टू डिस बिकॉज हिसाब किताब आखिर में बिल्कुल सबका अपना अपना होना है हाँ. आपकी नीयत साफ है ना बस इट्स okay. किया हाँ. हाँ, <laughs> <थो> था।, <laughs> था बहुत हाँ है ना हाँ. हाँ. अब अगर उसमें से एक इशू भी बता दें अगर आप मतलब कि आ, कोई एक ऐसा इशू नहीं था जो फिक्शन था नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं था आप सही कह रही है बड़े जो जिन जिन टॉपिक्स में आपने बात की जैसे और वो, ऐसे वो, ऐसे ख़त आते थे और ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स थे जो हम नहीं शेयर कर सकते थे तो आप ये सोचें कि कितना सेंसर कर कर भी फिर हम ये वाले लेकर आए बहुत मसले हैं जो आप आप सिर्फ टीवी पे देखते हो या फिल्म में देखते हो और आप कहते हो तो, हाँ ये तो कभी नहीं तो या तोबा तोबा बहुत कम होता होगा अब बहुत मुझे लगता है आज माचिस जैसा शो अगर आ जाए तो उसको तो सोशल मीडिया नहीं छोड़ेगा माचिस नहीं, की क्यों क्योंकि माचिस की जगह आप चार तजिया को बिठा दें वो बर्स के सनारियों आपस में लड़ रहे हैं हमारे इतने रिस्पेक्टेड पॉलिटिशन जो आपस में किस तरह से लड़ रहे होते हैं तो वो माचिस हो रहे हैं ना इस पॉइंट पे आज जब जहाँ आप खड़ी हैं और इतने सालों का एक्सपीरियंस है एज अ पर्सन भी आप चेंज हो गए अब आप करेंगी माचिस दोबारा अब आई वुड लाइक टू डू समथिंग ऑन द लाइंस ऑफ ओपरा ओके वेयर आई कैन आल्सो हैव सो मेनी स्पॉन्सर्स या जैसे आमिर ख़ान करते थे yeah. uh, कि लिजिट जो जो टॉपिक्स हैं उनकी कोई हल हो और जो गरीब हैं उनके लिए भी आ, जो मुझे लगता है कि आजकल ऑल दो आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्च जो गवर्नमेंट है आई एम अ अट्टॉन्च uh, यूथिया नहीं बुजुर्गियाँ हूँ उम्र में लेकिन इंसाफियन एंड ऑल लेकिन हाँ महंगाई बहुत है और मुझे लगता है कि हम लोग अपने बबल में हम अपने सीरियल्स कर रहे हैं बाक़ी जो सब प्रोफेशनल हैं और जो खुशकस्मत हैं वो सही है लेकिन महंगाई है और जो मिडिल क्लास वाइट कॉलर लोग हैं जो नहीं बोल सकते mm -hmm. uh, उनको बहुत बुरी तरह से हिट हो रही है एंड दे कॉन्ट शो इट एंड दे कॉन्ट आस फॉर मनी आई वुड लाइक टू डू सम फॉर देम एज अ प्रोग्राम सो दैट्स आपने कहा कि जब डाइवोर्स हुई थी तो आपको फेलियर का एहसास हुआ हाँ. ख़ुद से नॉट डेट के आसपास के यू यू फेल्ड कि मैं हर चीज़ इतनी अच्छी करती हूँ ऑफिशियल, वो तो एक तो मुझे ये इंटरेस्ट था कि फिर क्योंकि उसके बाद में आपको देख रही हूँ आप इतनी कंफर्टिबली और बड़ी वोकली आपने बात की सारी आपने बताया कि मैं इस तरह था और आपने उनकी भी बहुत तारीफ़ की कभी आ, उनकी बुराई नहीं, नहीं। की आपने यूलो you know, uh, बड़ी पॉजिटिव तरीके से पूरे सिनारी को आपने हैंडल किया हुआ है बट इज ऑल्बर दिस इज़ ऑलसो सबर बिकॉज आई गॉट ऑफिशियल डिवोर्स पेपर आपको समझ नहीं आ रही होती आपकी अम्मी मामा को भी अल्लाहियाँ जन्नत, जन्नत का सबसे ऊंचा दर्जा दे लेकिन आ, ए, ओ, बस वो होती थी। वो थीं जो मेरा पिलर थी बाकी फ्रेंड सब कुछ होते हैं लेकिन वो जो आपकी अम्मी जो आपको जब भी मारती है ना मगर देर दे वॉज अ टाइम वेयर इवन नथिंग वॉज हेल्पिंग तो जब तो जब मुझे वो ऑफिशियल पेपर आया तो मैंने उस वक्त दो नफल मैंने पढ़कर मैंने अल्लािया से नमाज में मैं कहा मैं इसको माफ़ करती हूँ जिसका भी कसूर था जो भी था ये चीज़ हुई है मुझे पता है के आ, कि आसमान भी मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ है तलाक बिल्कूर. इवन इन द कुरान हुँ. तो मैं कहा कि बस मैं माफ़ करती हूँ और अल्लाह मियाँ सब कुछ आपके सामने तो आप, सकून मिला वाक्त? Okay. नहीं उसी वक्त बहन काश ऑन ऑफ स्विच मगर मे, मे, time, मे, मेरा नहीं था कि, मुझे ये तो, हुआ कि मेरी तरफ से कोई रिग्रेट नहीं है कि अगर मैं ये करती या वो करती है। और मैंने अपनी तरफ से शायद मेरा भी कसूर हो लेकिन मैंने अलामिया को कहा कि ठीक है जो मेरा कसूर है मुझे माफ़ करें और जो उसका कसूर है और बस मैं उसको माफ़ करती हूँ एज अ बीवी क्योंकि खुश होता है कसूर हो या ना हो दैट्स अ सेपरेट टॉपिक ठीक है लेकिन जो आपने बात बोली मुझे लगता है क्योंकि हमारे यहाँ शादी और रिलीजन कल्चर में शादी इंपॉर्टेंट है और उसकी एक अपनी इम्पोर्टेंस है तो जब वो चीज़ नहीं होती है तो मुझे लगता है बहुत से लोग इस बात आपकी इस फीलिंग से रिलेट कर पाएंगे कि आपको खुद एक कमी का एक, एक फेलियर का या एक दुख का मैं दुख बोलूंगी एक लॉस का एहसास होता है सिर्फ हाउ डू यू ओनली डिवोर्स का बिकॉज दैट वाज समथिंग दैट आई समय इट्स नॉट लाइक ड्रामा टी आर पी रेटिंग अच्छा कोई फ्लॉप है कोई हिट है दिस इज़ योर लाइफ और एक एक डिपार्टमेंट आपकी ज़िंदगी का ऑफिशियल जब आपको वो तलाक नामा जो है ना mm -hmm. वो एक ऑफिशियल है कि जी यू हैव फेल्ड इन दिस मैरिज ड्यू टू यू नो डिफरेंस एंड ये वो जो टिपिकल जो चीज़ होती है लेकिन एक फेलियर है आप कुछ शेयर करना चाहेंगी दो या तीन चीज़ें जो आप वो तमाम खुवान जो इस चीज़ से गुजर रही उनको कि हाउ डिड यू ओवरकम दैट फीलिंग दैट फेलियर no that, that okay. uh, failure, failure. Uh, नहीं हो सकता वो तमाम लोग जो ऐसा फील करें आप उनको क्या पैसा चले तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी के पेरेंट्स को कि लड़की आ, अगर शी इज़ नॉट हैप्पी शी इज़ गोइंग थ्रू अल्लाह माफ़ करे डोमेस्टिक वायलेंस एनी थिंग जो मुझे मेरा नहीं था ह, हमारा नहीं, वो एक हाँ, हम अलग की की स्टोरी उसमें जा ही नहीं रहे हम तो पेरेंट्स जो हैं वो संभालें ये ना सोचें हाय अभी छोटी बहनें हैं उनकी शादी नहीं होगी इतनी इतनी लड़कियाँ इसलिए रहती हैं बुरी मैरिजिज में क्योंकि या तो फाइनेंशली इतनी स्टेबल नहीं होती कि अब मैं क्या करूँगी स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच हैव फेथ इन पेरेंट्स के लिए ये कि प्लीज़ सपोर्ट योर डॉटर्स और जो बेटियाँ हैं जो जो औरतें हैं जो लड़कियाँ हों गोइंग थ्रू दिस अल्लाह पर यकीन रखें एंड यू विल इवन अगर आप स्क्रैच से शुरू करिए ना आपके लिए कुछ बेहतर लिखा होगा इनशाला दैट्स ऑल बस हैव yeah. फेथ yeah. वो नहीं सोचना कि अच्छा क्या होगा नहीं अल्लाह पर छोड़ेंगे ना एकदम से आपके अंदर ताकत आएगी दैट्स मैं गुड बाय कर, कर मैं जब शादी करने गई आई वॉज लाइक येस मो मॉडलिंग नो मो एक्टिंग नथिंग ये 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 और पूरे दस महीने बाद में उधर ही और अग, और बड़ा रोना आया कि अच्छा मैं तो ये सब कुछ छोड़ कर गई थी लेकिन एक एक अल्लाह का प्लान है yeah. तो आप वापस बिल्कुल मगर आ, अगर ये चीज़ें ना होती अभी भी अगर कोई डिप्रेशन हो कोई सैड चीज़ हो कॉल टाइम दस बजे आई डोंट आई कॉन्ट अफोर्ड टू कि नहीं मैं बिस्तर में आज पूरा दिन गुजारूंगी। yeah. वक्त नहीं है yeah. उससे मैं बिज़ी रहती हूँ एक डिसिप्लिन ज़िंदगी में है कि आप सेवन टाइम्स सेवन डेज अ वीक भी आप yeah. मैं काम करती हूँ संडेज mm -hmm. भी तो uh, एक एक बहुत अच्छा क्या यू हैव टू और वो जब आप करते हैं ना और फिर mm -hmm. है जैसे कि का आपको कान की दर्द हो mm -hmm. और उसके बाद फिर आप भूल जाते हैं Yes. थोड़ी देर के बाद काम के, में बिजी होते हैं तो भूल जाते हैं ना, ना कि वो वो नहीं मतलब नहीं। कि आफ्टर वाइल जब आप सही हो जाते हैं तो आप कितना ज्यादा हाँ। और उस वक्त आपको लगता है कि हाय मैं मर जाऊंगी दांत का हो कान का कोई भी तो उसी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं इट्स अ रियली तो मुझे लगता है कि ये अल्लाह ही के तरीके होते हैं कि अच्छा इसको इसमें डिस्ट्रैक्ट करो उसमें करो एंड अपने आप को खुला रखें बी ओपन टू लाइक मदद करें बस सो आई थिंक जैनब की बात से भी अपने आप को बिजी रखें किसी काम में ताकि जिंदगी मूव ऑन करें और काम आपको ढूंढेगा डेस्टिनेशन नहीं आप बस सबर करें और, और बिस्मिल्लाह करके खड़े हो बिस्मिल्लाह होकर कर, बिस्मिल्लाह करें और छोटी छोटी चीजों में आप शुक, जब शुक्र करेंगे ना तो जब ऐसी चीज में आपको खुशी है तो फिर इससे थोड़ी सी बड़ी होगी और खुशी होगी तो वो ऑटोमेटिकली आपका स्केल बढ़ेगा वो Zainab, आपकी अम्मी अबू दोनों अब नहीं है इस दुनिया में आपकी एक बहन है जो दुबई में रहती है आप कराची में होती है बेसिकली मतलब काइंड ऑफ आप अकेली और फिर है। कहते हैं कि मॉडल्स और एक्ट्रेसेस फास्ट होती हैं देखिए जरा मैं सिर्फ काम काम करके नवंबर में मुझे yes. राबिया ने कहा था उससे, भी पहले, उससे भी, कहा भी पहले से भी चल रहा है और आज

मुझे किसी और ने एक को स्टार ने भी पूछा कि आई फील वेरी सैड फॉर यू आई एम मैरिड आई फील सैड फॉर यू आई फील देयर देर लॉट ऑफ पीपल इन योर पोजीशन हु विल विल लर्न फ्रॉम हु फ्राम हु आर थिंकिंग ओ हमारी तो जिंदगी खत्म हो गई क्योंकि हम अकेले हैं वो आपको देखें इंस्पायर होंगे वो कहेंगे यार ये देखो ये अपनी जिंदगी में शी इज गोइंग ऑन दैट्स हाउ पीपल कैन लर्न फ्रॉम यू एंड दैट्स द रीजन आई आस्क आई नेवर आस्क के किस तरह से हैंडल करती हूं कि, आ, या तो मैं बैठ कर डिप्रेस हो जाऊँ और मैं सैड रहूँ सब कुछ काम भी नहीं करना कुछ नहीं करना बस एक कोने में मैं यू नो चली जाऊँ वापस लाहौर अपने घर में रहूँ अपनी खाला के रहूँ बस या फिर मैं ये सोचूं जिसने मुझे बहुत सब्र दिया है दो चीज़ें राबिया आफ्टर माई मदर्स डेथ क्योंकि आई वॉज वेरी यंग वैन माई फादर डायट माई मदर बिकेम अबू एंड अम्मी टुगेदर तो जब मामा की डेथ जिस तरह से जो हिट हुई है ना वो अब आई वॉज टू यंग ठीक है नाइन ईयर्स विद अ पेरेंट येस द फीलिंग ऑफ नॉट हैविंग अ फादर हैज़ ऑलवेज बिन दैर वो स्टेट लाइफ ए खुदा तेरे अबू मैं कोई पाँच साल आफ्टर माई फादर्स डेथ आई कुड नॉट लाइक आई कोड नॉट सिट एंड आई यू शू भी एम्बेस कि मैं अम्मी देखेंगी मैं आ, मैंने सैड नहीं होना क्योंकि मामा सैडी यू नो उस तरह की चीज़ आ, अम्मी के बाद मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ कि वाकई अल्लाह जब आपको यतीम बनाता है तो वी आई प्रोटोकॉल आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिन में आपके लिए वसीले खुलते हैं आई फील स्पेशल अगर कुछ लिया है मैं ये नहीं कह रही अल्लाह माफ़ करे इससे ज़्यादा मतलब कि आफ्टर लूजिंग योर पेरेंट्स ना उससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं हो सकती आपकी कुछ है। भी नहीं हो सकती uh, आपका एंकर चला जाता है जिंदगी का एंड आई एम टॉकिंग बिकॉज कुछ लोग शायद कहें कि नहीं बच्चा होकर जब आप मामले किसी की सिचुएशन डिफरेंट होती है।, है मगर मेरे लिए लाइक आफ्टर दिस कुछ नहीं मुझे अगर कोई कोई इलनेस अगर हो जाए कुछ भी हो जाए जो मैं खो चुकी हूँ और लाइक यू नो आई बेज माई मॉम बिकॉज यू उनको मैंने वादा किया था कोई पंद्रह साल पहले उसके बाद कुछ नहीं है नथिंग कैन मूव मी शेक मी एक तो ये बात okay. है विच मेक्स मी स्ट्रॉग बिकॉज आई फील कि अल्लाह का कोई स्पेशली हाथ मेरे ऊपर होता mm -hmm. है बिकॉज ऑफ दिस और ब्लैसिंग्स uh, डबल हो जाती हैं okay. और दूसरी बात यह कि uh, मायना कीजिएगा लेकिन मैं, मैंने ये पढ़ा है कुरान में कि अल्लाह ने कहा है कि मैं तुम्हें तुम्हारी औलाद से और तुम्हारी पोजेशन से आज़माऊँगा तो uh, मतलब कि मैं एक तरफ से फ्री हूँ आजमाइश आजमाइश इस तरह की आजमाइश से नहीं, नहीं। जो मुझे लगता है कि मेरी बहन के भी कोई बेबीज नहीं है नहीं। तो हम यही सोचते हैं कि वो जो जब मेरी दूसरी दोस्तें कहती हैं कि यार उसको उसमें एडमिशन नहीं मिली जिस कॉलेज में एंड आई एम सो डिप्रेस एंड या कोई हार्ट ब्रेक होता है या किसी ने दिल तोड़ा हो तो वो जो पेन माँ बाप का होता है ना शायद अल्लाह मेरे को पता है कि कौन हैंडल कर सकते हैं मैं तो वही जंग वाली कुल्हाड़ी देकर मैं पहुंच जाऊं कि हाउ डे यू हर्ट माई सन या तो अल्लाह में देख कर वो कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं हैंडल कर सकते शायद मगर थोड़ी सी आजमाइश कम हो गई है ओके सो मोहब्बत हुई दोबारा कभी नहीं. नहीं नहीं और मुझे लगता है दोबारा मुझे लगता है पहले भी नहीं हुई थी हाँ वो तो आपने बोला हुआ कि हाँ बट ओके सो हाँ उसके बाद कभी सोचा नहीं या नहीं, सोचा हुआ ही नहीं सोचा और या, या पहला एक्सपीरियंस ऐसा था कि आपने नहीं, 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 नहीं आ, मुझे लगता है कि उस वक्त भी मैंने फुल नियत के साथ आ, और लोगों को लगा ओ ही सो रिच और ये तो गोल्ड डिगर है हक महर मेरा सुन्नत के मुताबिक था और उसके गवाह हमायू सईद और जावेद शेख थे तो मैं झूठ भी नहीं बोल सकती तो जब वो आया उनका वो उसको तो पता नहीं क्या क्या मिला होगा लंडन इधर उधर तो उनका कि नहीं हक महर हमने हम थे तो ये था आ, तो मैंने अल्लाह को कह दिया है कि आई एम रेडी दुआ मैं ये करती हूँ कि बस कि जो आप भेजें अगर अगर मेरी किस्मत में मुश्किल नहीं मुश्किल है थोड़ा सा अगर आप थर्टी फाइव थर्टी सिक्स को क्रॉस कर जाएं एज को तो वो तो दस साल पुरानी बात कर रही है मैं जनरली बात कर रही हूँ कि देखें जो मैं आपसे बातें कर रही हूँ ना वो इसलिए नहीं है कि आपको माइक्रोस्कोप के अंदर ला मैं डायसेक कर रही हूँ और मैं वो जो मैं बातें कही करी इसलिए क्योंकि आप एक चीज़ से गुजरी हैं और ये जो ये जो इश्यूज़ हैं ये हमारी दुनिया हमारी सोसाइटी की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन फेस करती है स्पेशली जो टॉपिक मैं अब आप आपसे बात करने वाली हूँ ठीक है तो वो है कि हम इन पे कॉन्वर्सेशन तो स्टार्ट करें ना जेना हम बात okay, तो करें और फिर हम उसको देखिए शायद कुछ चेंज आ सके बिकॉज ये कभी हमें लगता है कि ये चीज़ें शायद इतना इशू नहीं है बट मुझे लगता है सोसाइटी में बहुत सी चीज़ें जो हो रही हैं विच कुड भी रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ विच कुड भी रिलेटेड टू फैमिली इशूज़ विच कुड भी रिलेटेड टू वमेन्स पोजिशन इन इन द सोसाइटी दे आर ऑल इंटर रिलेटेड अगर आप डीपली सोचें सो कमिंग टू माई सवाल के थर्टी सिक्स थर्टी एट के बाद जो ख़ुत या जो औरतें अकेली होती हैं नई शादी हुई होती है या किसी विडो हो जाती हैं डाइवोस उनके लिए दोबारा शादी करना या इस इस जर्नी में जाना मुश्किल है सोसाइटी में मैं इसीलिए ये आ, मैं आपको उस वक्त इंटरजेक्ट करी थी कि राबिया हर एक की अपनी जर्नी है हुँ. वो कहते हैं ना कि अल्लाह मैंने सबका बड़ा बारीकी से सोच कर एक प्लान बनाया एक लाइफ प्लान बनाया ये तो सही आ, है ठीक है जिसके अंदर चॉइसेस चॉइस वी मेक बट अल्लाह नोज मगर जो सर्कमस्टांस है वो सब कुछ है मेरे सर्कमस्टांसिस आप जैसे नहीं आपके मेरे जैसे नहीं सिर्फ और सिर्फ हम हम सब में जो एक सिमिलरिटी आ सकती है वो है अल्लाह तवक्ल ओके okay. और उसके साथ साथ अल्लाह ने भी कहा है कि घर पे बैठ मतलब हाथ पे हाथ रख कर नहीं सोचो कि मैं मुजा mm. करूँगा uh, एक तो फेथ और यकीन होना चाहिए कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा लेकिन उसकी तरफ एक्टिवली वर्क भी करें इफ़ यूर इन अ बैड रिलेशनशिप अल्लाह माफ़ करे इन अ बैड मैरिज डू द बेस्ट यू कैन एंड इफ़ यू can't देन यू हैव टू टेल योर पेरेंट्स एंड opt out मतलब कि जो भी जिस चीज़ से आप जा रहे हैं ना आपने ऑस्ट्रिच नहीं बनना शुतुरमुर्ग नहीं बनना आपने उसको फेस करना है फ़ेस टू फेस और जो सबसे ज़्यादा बड़े फेयर्स होते हैं ना जब आप उनके सामने खड़े होकर कहते हैं ना कि क्या है तो आप कहते हैं अच्छा ये तो मुझे लग रहा था इतना बड़ा ये तो ये वाली बात है स्पेशली और दिमाग में ना बहुत बड़ी चीज़ें हो जाती हैं जब आप बोलते हैं तो आप कहते हैं ओ ये तो इतना सा है तो मैं क्यों अपने दिमाग में सो so, वेंट करें हैव अ स्पेशल फ्रेंड आपकी बेस्ट फ्रेंड हो आपकी बहन हो आपकी अम्मी हो आपकी आपकी चॉइस है लेकिन शेयर करें अंदर ना रखें जब वो एक सर्टेन एज क्रॉस कर जाती है तो हमारी सोसाइटी में मुश्किल है नहीं देखते हम बहुत कम है हाँ, उस टॉपिक पे बात कर रहे थे हम तो uh, वही मैं कह रही हूँ ना कि आप स्ट्र, आप स्ट्रांग रहें और उसके बाद आप अपना काम करें शायद आपकी किस्मत में कोई शादी नहीं है तो आप क्या आप बैठ कर आप बस नहीं नहीं बिल्कुल नहीं यूनोल you know I mean? हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो बात ही नहीं कर रहे थे हम तो जनरली ये कहते हैं कि सोसाइटी में ऐसी क्या चीजें हम चेंज कर सकते हैं एज परसन हम क्या चीजें हम इसको हम, फिस हम फिस अभी अभी तक तक एक क्रीम को हम सिर्फ उसका नाम बदल दिया है काम उसका वही है हम वो नहीं बदल सके तो हम कैसे कह सकते हैं कुछ एक्ट्रेसेस की प्रेफरेंस सिर्फ उनकी एक्टिंग नहीं बल्कि क्योंकि वो इतनी खूबसूरत है वो भी होता है बहुत सी चीजें हैं mm -hmm. तो uh, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो आपकी इंडिविजुअल यूनिक जर्नी जो अल्लाह ने लिखी हुई है उस पर आपने मजबूती से यू नो अल्लाह के साथ कनेक्शन रखेंगे तो सब कुछ हो जाएगा आई कॉन्ट से समथिंग यू कांट फॉर एल्स बस हम ये कह सकते हैं अपना अकीदा और uh, अपनी विल पावर और फेथ इन अल्लाह के साथ सब कुछ हो जाएगा आई बिलीव अगर आपको कोई पसंद आ जाए आप इनिशिएटिव इनिशियटिव लेंगे उसको कभी भी नहीं क्यों मैं ओल्ड स्कूल हूँ इफ अ गाय लाइक्स मी और समथिंग यू नो गेट टू नो टाइप चीज you, मैं ऐसी फॉरवर्ड नहीं हूँ कभी hmm. बचपन से नहीं जब मैं यंग थी तब भी नहीं पर्सनैलिटी नहीं, 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 डेस्परेशन की बिल्कुल बात नहीं है इट्स अबाउट इट्स माई पर्सनैलिटी आई एम वेरी शाय जब मैं ऊपर भी आ रही थी ना अभी hmm. यहाँ आने के लिए कि अच्छा कौन कौन होगा ये <laughs> नहीं आप लोगों का कि अच्छा राबिया को तो मैं जानती हूँ घर की मुर्गी दाल बराबर लेकिन कौन कौन होगा नॉट hmm. कि हॉट होगा या कोई अच्छा मुझे था कि अच्छा यू नो पीपल ओके अस्सलाम वालेकुम कैसे इट्स लाइक इट्स अ फ्रंट ओके इट्स अ डिफेंस मैकेनिज्म और जैसे आपके इतने सीरियस क्वेश्चन uh, पे जो आप सीरियस हो गई मेरा डिफेंस मेकनिजम और जैसे अफान मुझे बिकॉज ही इज़ माई बेस्टी तो वो मुझे कहता है कि यू नो कि लाइक इफ आई एम डाउन यू ट्राई टू लाइक यू नो जोक अबाउट इट एंड देन आई डोंट लाइक इट आई एम द अदर आन बहुत बड़ी सी चीज़ हुई मैं उसको आई विल मेक लाइट ऑफ इट एंड मैं आई यूज ह्यूमाइव करने हाँ चलिए जी इतने सीरियस सवालों के बाद कुछ हम हल्का फुल्का करते हैं

मैं कुछ पढ़ के बताऊंगी आपने मुझे बताना है कि ये किसने कहा हो सकता है मेरे बारे आप में क्या जजमेंट नहीं जनरल अच्छा। तो देखते हैं कि आप कितना जानती हैं लोगों को हेलो ओके हु डू यू थिंक वोल्वरिन जो कैरेक्टर है वो उसका किस में इंटरेस्ट होगा आपके अबा अली अब्बास अरे वाह आपको तो फ़ौरन पता था थोड़ा सा प्रिटेंड ही कर लेती बेटा है मेरा अच्छा कोई किस्सा भी सुना है जो जो मैं बोल रही हूँ ना जन्मों के बारे में उनका कोई एक स्टोरी भी साथ सुना दीजिएगा अली आई फील इज़ अ फैबुलस एक्टर मुझे जो उसकी अच्छी बात लगती है कि जहाँ मैं अपने दिमाग में वैसे तो मैं कूल होती हूँ कि क्या हो गया क्यों इतना प्रेप कर रहे हैं लोग ना ऑर्गेनिक दिमाग में कर रही होती हूँ कि अच्छा मैं क्या करूँगी मगर कोई भारी से भारी सीन हो हम लोग अभी इन शात में आएंगे जो अली हीरो है और इतना एफर्टलेसली वो चलिए uh, भारी से भारी डायलॉग mm -hmm. बोल देगा और इम्पैक्ट uh, भी हो जाएगा एंड आई एम जस्ट लाइक वाओ सो लाइक आई रियली लाइक हिम एज एन एक्टर दैट वे एंड हैविंग हिम एज ए कोस्टा मजा आता है मज़ा आता अच्छा एक और अब किसी ने लिखा है मिडनाइट शूट और आर्टिस्ट के चेहरे की मुस्कुराहट चश्मे बदूर किसने कहाँ हो सकता है ये सबाफैसे आप yeah, yeah, आप तो सारे सवाल सही दे फौरन फौरन रही उनको दे रही रही हैं और और बता उनको उनको लगेगा कि आपने शायद मुझे जवाब पहले दिए huh. क्योंकि मैं वही चीज ना कि पर्सनालिटीज़ होती हैं yeah. तो ये सबा आपा uh, मुझे पता है, है थोड़ी सी वो उस तरह से वो शायर आना है hmm. और उनकी रात की शूट हुई होगी yeah. तो इसलिए अमेजिंग ओके okay. भाई हमें क़्यामत पे इतना मज़ा किया इतना मज़ा किया अब अब वो कोई स्पेसिफिक किस्से नहीं है मेरे पास अलश्रा से ठीक है हु सेज़ मंडेज़ का टेस्ट लाइक सैटरडेज़ ये किसने कहा हो सकता है अदील या सलमा अच्छा वाईवुड अदील और सलमा सेज़ आए वैसे उन दोनों ने नहीं कहा है।

उसमें मेरा भी कोई कमेंट होगा कोई मैंने चेक किया मुझे नजर नहीं आया बट अच्छा। वो आपका बेस्ट ही है आपको पता होना चाहिए एंड यू शुड फॉलो हिम यू शुड और ये कोई इतनी पुरानी नहीं है है ये और मैंने लाइक किया कि हु सेज मंडेस कांट टेस्ट लाइक सैटरडे वैसे अफान इसका मतलब क्या था पहले तो ये नहीं मैं बताती हूं जब आप जब आप चिल इधर आओ मैंने मैं रिप्लाई भी मैंने इसके अंदर इसका स्क्रीनशॉट yes, है नहीं पता चलेगा वो अच्छा क्योंकि उसके अंदर मैंने लिखा था फॉर लकी पीपल हु आर वेकेशनिंग इन इन लंदन एंड नॉट फॉर मजदूर्स हियर हु आर वर्किंग 7 डेज अ वीक ओके अच्छा मतलब रिप्लाई भी किया उसके ऊपर कमेंट भी किया वो भी और वो भी हां uh, uh. वैसे टेल अस समथिंग अबाउट अफान थिंकर ओवर थिंकर अ गिफ्टेड सुपर uh, सिंसियर uh, कोई किस्सा सुनाए हमें स्टोरी सुननी है अफान की और आपकी अफान बहुत अमेजिंग पुलाव बनाता है ओ oh. और uh, मैं फूडी हूँ खुद तो वो सूख के कांटा है <laughs> uh, और uh, तो जब वो ऑफ हो और मैं ऑफ हूँ बिकॉज वी वी स्टे इन द सेम गेस्ट हाउस लाइक जो एक्टर्स hmm. का तो देन समटाइम्स लाइक ही विल सरप्राइज मी ऐसे आ, एक सेकंड के लिए बाहर आया मैं कितनी अच्छा क्या है ये वो है देना तो अब तो आपको पता होना चाहिए वो आपको कहते हैं एक सेकंड के लिए बाहर आए नहीं कि कुछ खा नहीं को, कोई और भी हो सकता है कभी हाँ। मुझे वो करता है कि चले वॉक करके ग्लोरिया जीन्स जाते हैं ये वो वो बेचारा बहुत कोशिश करता है बट सच एन अमेजिंग थैंक यू हमारा एक दूसरे से हम हमेशा मजाक करते हैं कि देट वी डोंट लेट ईच अदर स्पीक क्या मैं शुरू हुई तो शुरू 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 और फिर वो कहता है इस गुन भी ऑल अबाउट यू बट थैंक यू फॉर बींग सच एन अमेजिंग फ्रेंड थ्रू थिक एंड थिन ही नोज नवम्बर डिसम्बर ही नोज कि अच्छा अच्छा कोई पोस्ट नहीं अच्छा यू डाउन व्हाट्सअप ये वो अगर आपके जिंदगी में ना कोई चार पाँच जेनवन अच्छे दोस्त आ जाए वे लॉस हु एक दूसरे के लिए देर हैप्पी सक्सेस yeah. हम कहाँ के सच्चे ही वे जस्ट लाइक ओ माइको गॉड मैंने आपको कहा था hmm. क्योंकि गर्मी होती थी मैं रो रो कर मैं आती थी मैं कहती हूँ अफान इतना टफ शूट है hmm. और वो कहते था आप देखें तो अब सुनो अब मैंने ऑन द रिकॉर्ड कह दिया कि हाँ तुमने कहा था और यस यू आर राइट तो उस तरह से यू नो लाइक वीर जस्ट लकी सो स्टे ब्लेस्ड आपके एक और दोस्त हैं जिनको लगता है कि शलवार कमीज सबसे कंफर्टेबल जोड़ा है और लाल कलर बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी ज़िंदगी में कौन हो सकता है ये तो यू शुड नो दस लड़की होंगी <laughs> जिनको लाल जोड़ा पसंद है लाल जोड़ा नहीं शलवार कमीज आई एम सिंग शलवार कमीज इज द मोस्ट नथिंग एज कम्फर्टेबल एज शलवार कमीज ये उनका एक uh, ये शेरू टाइप कमेंट है आप फाइनल जवाब बताएं अब मैं ये तो नहीं बता रही सही किया यू नो रेट इज वेरी इम्पोर्टेंट इन लाइफ राइट इज वेरीबल एक तो शूट्स के साथ रेड कलेक्शन थी जो हमने शोज में भी बहुत से yeah. yes. yeah. yeah, yeah. तो कहा लड़की हो हो गे? आपका नहीं गेस्ट कर सकी रिप्लाई <laughs> <rub> <laughs> जो मैंने hmm. उसको शर्लॉक होम्स का उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया जो इस वक्त जिन्होंने इतना मॉडल भी किया हुआ है और इतना पूरा अपनी इंडस्ट्री का एक बहुत टाइम देखा हुआ है क्या चैलेंज आपको फ़ील होता है इस वक्त जिस पोजिशन पर आप हैं एज एन एक्ट्रेस इन टर्म्स ऑफ रोल दैट यू गेटिंग इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस आई जस्ट फील कि आप बहुत सा काम करते हैं हर प्रोजेक्ट में मुझे कोई चाहे 25 एपिसोड हो चाहे 45 फ़ाइव एपिसोडस हो कोई तीन चार सीन मेरे दिल को लगते हैं और जो मैं अपना काम नहीं देखती Uh, इसलिए कि जो मुझे वो जो सेटिस्फैक्शन वन यू नो दैट यू डन अ गुड सीन पर प्रोजेक्ट मुझे कोई दो तीन सीन होंगे हर प्रोजेक्ट में जो मैं कहती हूँ ओके यहाँ आई हैव आउट डन बाकी सब बस नॉर्मल कर लिए डायरेक्टर हैप्पी कोस्टार्ज हैप्पी ठीक है uh, तो उस तरह से चीज़ होती है uh, मेरी सेटिस्फैक्शन मैं टी वी पर अपने आप को नहीं देखती मैं uh, मुझे तब पता चल जाता है कि ओके तो, okay, इस प्रोजेक्ट का मैंने ये वाला तो बहुत मिल रहे हैं आपको रोल्स आपको हाँ, लग रहा है हाँ, okay, दे दे, है ओके ठीक फिर कोई नहीं है नहीं नहीं, कोई मैं मैं बहुत खुश हूँ हर किस्म का कर रही हूँ अभी इस वक्त अगर इंतकाम आ रहा है जियो पे जिसमें मैं यू नो लाइक अमीर नेगेटिव हूँ तो अभी इन सिरा, सिराजुल हक के साथ जिसमें मैं उर्वा की अमी प्ले कर रही हूँ वो प्रोजेक्ट आएगा जिसके अंदर मैं बिल्कुल मतलब कि नवाबशाह से हूँ और बिल्कुल डिफरेंट एंड यू नो लाइक अ डिफरेंट ट्रिजेक्ट्री और सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट है सो मैं बैलेंस रखती हूँ कि अच्छा भी करूँगी और फिर बुरा भी करूँगी उसका अगर एक कॉज हो जिसको आप लेके ट बिकॉज यू आर वेरी एक्टिव ऑन ट्विटर अगर हम बोलिए एक कॉज है जिसके जिसके बारे में आप ट्विटर पर बात करना चाहेंगी तो वो क्या कॉज होगा जिसको लेके आप एसिड केसेस एसिड एसिड केस आई हैवे मैं रिस्पेक्ट फोर मुसरत आपा एंड फो हर फाउंडेशन स्माइल अगैन एंड आई फील के वो उन्होंने उन लड़कियों की जिंदगियाँ रिहेबिलिटेट की हैं जिनको लग रहा था कि खत्म हो गई हैं okay. और आई सीन द आफ्टर सर्जरी ऑल्सो और जो ये ये जो है ना इसको कंट्रोल mm. करना है स्टॉप करना है इसको पनिशमेंट uh, मिलनी चाहिए और वी नीड टू टॉक मोर अबाउट दिस बिकॉज इट इज़ वेरी रेपड इंटरेस्टिंग बहुत अच्छा yeah. लगा मुझे आपने एक टॉपिक बताया वन yeah. थिंग। um, स्टॉपिंग आपके भाई हैं आपके दोस्त हैं जो भी हैं ये जो कुत्तों को जो uh, बहुत बुरी तरह से मार रहे हैं आई एम नॉट अबाउट कॉलिंग नॉट इवन जस्ट किसी Generally, को भी अच्छा, इतनी बुरा okay. मतलब कि आई फॉलो लॉट्स ऑफ ये इस तरह के लाइक uh, पॉज uh, like और उस तरह के ना स्टॉपिंग रूल टू एनिमल्स वो बेजुबान है hmm. <coughs> <coughs> तो प्लीज़ इस तरह से एंड स्टॉप अदर पीपल ऑल्सो ये कॉमिक कैसे कर लेती कॉमेडी इतनी अच्छी कैसे कर लेती है? I, में I loved you, you know. मुझे इतना मजा आता था शहनाई में मैं नहीं थी अहमदी hmm. राज के साथ सीन yeah. है? और uh, सर likes, वो जो, sorry, लेकिन वो जो दोनों की कॉम्बिनेशन थी ना सो मच फन टू वो आजान निकली हुई थी बिकॉज सलीम सर लाइक आई लुक ठीक है ना एक्टिंग बेंच मार्क और ऊपर से अहमद भट्टी अच्छा मेरी उर्दू बिल्कुल ठीक है जैसा आप नोटिस करें लेकिन जब स्क्रिप्ट होती है ना तो मैं आमतौर पर ईजी कि अच्छा ठीक है अपने मफूम आपको मीनिंग आ गई आप अपने आसान लफ्ज़ या जिस तरह से आप मुनासिब समझे हुँ. आप बोलने तो अहमद भट्टी तो लेकिन को मगर नहीं कहने देंगे oh. तो उसमें वो डबल प्रेशर होता था एक तो मैं सलीम महराज सर के साथ काम hmm. कर रही हूँ और ऊपर से फिर मैं ये टू द पॉइंट अहमद भट्टी बिकॉज इट वाज़ इज फर्स्ट प्रोजेक्ट अब मैं दूसरा जो कर रही हूँ उसमें yeah. मुझे माशाला से दस परसेंट फ्रीडम मिल गई है फ्रॉम <laughs> जीरो <है? From zero. laughs> वहां hmm. तो ये होता था कि अगर मैंने सलीम भाई ने कुछ कहा ना तो मैं कहूँ अहमद भट्टी कहते नहीं हूं. कैरेक्टर एंड पीपल लाइक मलिया इट वाज प्योर क्रेडिट मजा आया म्यूजिक मैं, एक, एक hmm. तो मैं होल्ड hmm. करती थी क्योंकि उन्होंने मुझे कहा है म्यूजिक मार्जिन तो इस तरह yeah. की चीजें बट okay. uh, uh, जैसे to, ये जो ये मैं हूँ और पार्टी हो रही है <laughs> दाना नीर एक तो मैं <laughs>

ऐसा नहीं पूरी एपिसोड उन पे हो लेकिन वो थोड़ा सा पार्ट आता है लेकिन उसमें भी आपको मजा आ रहा होता है एंड यू कांट फॉरगेट हर और जो आप कॉमेडी yeah. की बात करिए ना कि इट इज वेरी हार्ड टू रुलाना बहुत आसान है yeah. uh, हसाना लोगों को और खुद आप मासूम और सीधे फेस के hmm. साथ ये एक आर्ट है और ये एक गिफ्ट है एंड शी हैज इट एंड हार्ट्स आउट टू नदीम बेक आल्सो कि उन्होंने उनको फर्स्ट टाइम Yeah. इतनी भारी yeah. कास्ट के साथ यू गॉट ऑल द जायंट्स जो एक्टिंग दिन टू आर इंडस्ट्रीटली तो जो कॉमेडी जो है वो बहुत आसान है अगर आप कोशिश नहीं कर रहे हैं एक्टिंग अगर आप नॉर्मल आप बात जैसे करें ना वैसे आप एक्टिंग करें जब होता है ना कि अच्छा ठीक है एक्शन अब मैंने एक्टिंग करनी है हुँ. क्या मतलब है तुम उससे शादी करना चाहती हो नहीं, नहीं क्या मतलब है तुम्हारा क्यों मतलब एक फर्क है नॉर्मल हाँ. तो वो वो ज्यादा अच्छी होती है हुँ. तो हो, हाँ हाय वैसे आप उसकी बात है प्लीज आप लोग जो देख रहे हैं अनिला जैसा कोई रोल लिखते ना, को हो ना स्क्रिप्ट मेरा अहमद अब कुछ कर ले आप हैं कि जो 46 की हो और बेचारी अभी डिवोर्स्ड हो और उसका कुछ नहीं हो रहा तो उनके ऊपर क्यों नहीं लव स्टोरीज बनाते हैं है क्या हम क्या जिंदा दरगोर कर ले अपने आप को दोबारा तो आ रहा है ना दोबारा हाँ, दोबारा आ रहा है दोबारा और और को हमने, एस... हमने लीट कर दिया ना, सारे ऐसी आप करें जहाँ पे प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं, आप हुँ. क्लास नीचे करें जो मुझे हमेशा मीटू से था कि ऑल द रॉन्ग पीपल वर यूजिंग टू जो असल जिन लोगों के लिए है वो मर जाएंगे कभी मेरी जिसम मेरी मर्जी नहीं कहेंगी ठीक है मतलब कि मैं गेस्ट हाउस में कराची में रहती हूँ मैंने सोचा मैं कह सकती हूँ ये अपने खानसामे को मतलब जो जो, जो हमारे वहां कुक है मैं, मैं मर्ज मैं कभी नहीं कह सकती yeah. सुनो मेरा जिसम, मेरी मर्ज़ी तो फिर जो जिस तबके के लिए आप एक इतना अमेजिंग काम करना चाह रहे हैं तो ये आप मतलब कि आप नीचे जाकर आप, आप सोचेंटी रिलेटेबिलिटी होनी चाहिए सो केसेस विच विल नाउ बी साइलेंस बिकॉज पॉप सेलिब्रिटी इशू आ गया है ओके ओके कमिंग टू हम कहाँ के सच्चे थे स्क्रिप्ट hmm. कैसे आया आप एक्सपेक्ट करी थी इतनी कॉन्वर्सेशन होगी हम कहाँ के सच्चे थे पे uh, हम कहाँ के सच्चे में सबसे पहले तो मैं एक बात प्लीज़ क्लियर करूँ कि सब लोग बैठ कर यूनानमस युन, मशल की डेथ के बाद जो मैं शादी के बाद आई थी आई वॉन्ट इट ऑन रेकड हम लोगों ने सब ने डिस्कस किया कि शुड शी बी वेयरिंग द सेम क्लोथ्स और शुड शी बी वेयरिंग टाइम uh, का उन्होंने सोचा कि क्या वो उस वक्त आई है या सुबह को उठ कर है शगुफ्ता तो उन्होंने सब ने यूनानसली डिसाइड किया इंक्लूडिंग को स्टार्स कि ये, sir, कि ये कपड़े नहीं पहने क्योंकि ये जो इसका अगर ज्वेलरी उतार भी देती है तो ये डिस्ट्रैक्ट करेगा फ्रॉम जो इमीडिएटली जो मैं हॉस्पिटल uh, में जो जो सीन के लिए चेंज किया तो सबने मुझे कहा ये देखो आंटी मजाक के अलावा और उसमें आई अग्रीड विद देम बिकॉज आई वॉज इन द माइनॉरिटी वेर आई दैट जैसे मैं हूँ और uh, वैसे ही जाऊँगी तो okay. वो एक मतलब कि हिट और मिस होता है ना yeah. uh, तो वो True. एक यूनानिमस okay. डिसीजन था कि नहीं नहीं इफ शी इज वेयरिंग दैट ब्लैक घगरा एंड गोल्ड एंड दिस एंड दैट इट्स गोइंग टू टेक अवे ओके विच इज़ व्हाई इट वाज अ डिसीजन यूनानिमस डिसीजन दैट ओके शी विल चेंज हर क्लोथ्स ओके उस तरह से और कहीं कहीं आफ्टर माशोज डेथ जो मेरा मेकअप नजर आया uh, थोड़ा सा आप मार्जिन ऑफ एरर नहीं कि कभी कभार हम आगे पीछे सीन्स करते हैं uh, एक सीन किया uh, कुरा के साथ शी इज अफ फुल मेकअप ये वो उसके बाद किया जी सोयम का hmm. तो वो थोड़ा सा रेमिनेंट्स रह जाते हैं वी हैव टू गो अकॉर्डिंग टू एवरी वन स्केजल एंड वो सारा कुछ भी और थोड़ा सा, जेंटल होना चाहिए तो थो, थोड़ा सा मतलब कि हम पागल नहीं हैं हम जान के क्यों करेंगे कि कोई भी फॉल्ट hmm. रह जाए मगर इट इज़ एन अमेजिंग Amazing. मैं ये सिर्फ क्लैरिफाई कर रही थी क्योंकि मेरे दिमाग में था में मैं, मैं जिस दिन मैं जाऊंगी राबिया oh. के क्योंकि इस पे इन दो चीज़ों में मुझे बहुत फ्लैट मिली ठीक है ठीक uh, है मगर इट वाज फारूक सर का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है एंड इट्स वेरी ऑर्गेनिक वेरी ग्रिटी एंड इट्स ऑल अबाउट योर योर इमोशन रॉ इमोशन तो एंड हैट्स ऑफ टू कुबरा एंड मायरा

या मैं आपको जज करूंगी एंड माहिरा एंड कुबरा वर आउटस्टैंडिंग या दे वर दे मतलब कि एक्टिंग वाइज एक्टिंग वाइज वो था कि जी आपके सेपरेट कमरे उनके नहीं जहाँ पे सब बैठे यू नो एंड लाइक रियल तो वो जो फिर फीलिंग्स और वो जो सब कुछ था ना वो सब रियल फ्लो में आया ओके okay. जो लास्ट सीन है जिसमें 12 uh... टेक्स मेरीन और आप हाँ बारह और, हाँ। और हाँ। असल में हम दोनों वो पता नहीं कैसे एडिट हुआ हाँ। और गर्मी और वो सर ने कहा था कि बस ये है आपका मार्जिन हाँ। और उसमें वो जिस तरह से और हम हर दफ़ा और ये ग्लिसरिन के आंसू नहीं थे और हर दफ़ा हम उस जोन में थे कि दोनों काँप रहे थे और दोनों फील कर रहे थे वो बहुत इम्पैक्टफुल सीन था uh, कि वो दिल से बारह mm -hmm. दफ़ा आप सोचें कि हम असल रो रहे हैं mm -hmm. असल हिचकियाँ आ रही हैं इट वॉज बारह करना पड़ा आप लोग मास्टर हम लोग वो नहीं करते कि अच्छा इसमें हम बचा कर रखेंगे और वो इस तरह की चीज़ में सो माह वॉज ऑल्सो फुल ऑन एंड और जब आपको को स्टार ऐसा मिले ना जो इट्स ऑल अबाउट एक्शन रिएक्शन तो जब आपको वहाँ से मिले जब वो जब भी मारती थी तो मुझे और होता था कि हाय देखो मैंने क्या किया इसके साथ किया मैं मेथड एक्टर न्यू के ओ देन आई विल गोइंग टू आई वॉज शगुफ्ता माई डॉटर हैड डाइड एंड दिस चाइल्ड जिसको मैंने इतना मिसट्रीट किया इन अ वे एडमायरिंग हर बिकॉज सारी जिंदगी yeah. जो मैंने कंपेयर किया आई वॉन्टेड माई डॉटर टू बी एज गुड एज हर एक फ्लिप साइड है ना साइकोलॉजी की कि मुझे लगा कि महरीन बेहतर है मश से mm.

ज वेरी इम्पैक्टफुल और वो इतना अच्छा सीन था इतना खूबसूरत सीन था मतलब वो पूरी एपिसोड ना और वो सीन ने तो उसको चार चांद लगा दिया हम सबको एकदम से शुगफता हम हम मतलब लेकिन, लेकिन हमें उसकी एक, एक मतलब एक फील आई फॉर अ चेंज वी कि वो ये मशल की माँ जिसने बेटी खो है और एक जिंदगी में एक मसले से वो गुजरी है तो आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से उसको मैनेज किया और फारूक साह वही जो मैं कह रही हूँ ना कि डायरेक्टर यू ह, आपने अपना ईगो yeah. अपनी जो क्रिएटिविटी है yeah. एक हद तक आपको पता है कि आप हैं तो या जो भी आप कैरेक्टर प्ले करें कि वो उसके क्या बाउंड्रीज हैं और उसका क्या आर्क yeah. है लेकिन बाकी यू हैव टू ट्रस्ट योर डायरेक्टर जहाँ पे आपको लगे ना कि आप ओवर स्मार्ट हैं और डायरेक्टर yeah. नहीं या तो आप वो काम ना करें yeah. या फिर जब आप करें तो हम हमारे साथ इवन डायरेक्टर्स जैसे समीना आप कुछ mm -hmm. है कुछ डायरेक्टर्स भी हैं जब एक्टर बनते हैं ना तो 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 वो वो बिल्कुल चुप रहते हैं। हैं हैं। पे एक्टर्स आते ना फिर सफर करते हैं. Yeah. 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 आपको पता था आप कर थक गए एक एक के दूसरे के था था के की वजह से होगा और सिर्फ माहिरा के ऊपर होगा काम हमने सौ फीसद किया बिकॉज शी इज द को अगर लोगों ने देखा तो वो माहरा और कुबरा की वजह से देखा जब मैं कर रही थी सीन्स तो मैं कहती थी यार शब्बो तुम देखना yeah. और शब्बो जो छोटा वर्जन hmm. है वो फारूक सर की बेटी BTS, है yes. yeah, कि उन्होंने कहा कि ये शब्बो बड़ी होकर अगर कैफ है तो छोटी भी आउटस्टैंडिंग किसी को करना सही है। बात है। हाँ। तो उस तरह की हम सब को कहते थे यार क्या तुम कर रही हो मजा आएगा कैफ मेरे भी बच्चे हैं वो सब कुछ की भी कहानी एक चल रही है शब्बो की लेकिन इट वाज नॉट रेलेवेंट टू वो एक तो लोग आपको पता है ना आजकल जरा ज्यादा वो चाइल्ड लेबर भाई दिखाना था ना प्रूव करना था कि क्या

बोल दी जाएगी फिर और सब बहुत अच्छे हैं उनको पता है उनको मीटर पता है ना तो एक जगह पे जब महरीन की अम्मी आई हाँ। और उन्होंने कहा कि खुदा के लिए मेरी बच्ची को ये वो और सर ने कहा था आपने बिल्कुल चुप रहना है। तो पहली टेक में तो मुश्किल होगा पहली टेक में वो जा रही थी तो फिर मैंने कहा अच्छा मेरी बच्ची कवर में काट सीक्यू जी सबको पता है सबको पता है मशल का बहुत हो गया आपको कहा था चुप रहे अच्छा सर वो मैं बर, हाँ ठीक है अब अब हम कर लें वैसे जी सर ओके तो फिर क्या चुप और वो जब मैंने देखा कि वो मेरी नसें फट रही वो एक्चुअली फट रही थी कि मैंने कुछ बोलना है कि ये किस तरह से कह रही है लेकिन मैं चुप हूँ तो, मगर मैं कुछ जगहों पे सर कहते थे अच्छा जी क्यों करनी है अपनी थोड़ी थो सी ओवर एक्टिंग बड़ा क्यूट आ, तरीक और तरीक उनको पता था कि मैं थोड़ी सी फिल्मी आती हूँ तो कहते थे अच्छा और सर कहते थे अच्छा मैं ऐसा चाहता हूँ तो मैं कहती थी ओके okay, मैं दिल में कोशिश करती थी कहीं बीच में जी क्यों ओवर एक्टिंग होगी अच्छा इसमें मुझे अच्छी लगी तो मैं रख रहा हूँ ठीक है आई लाइक वॉट यू डिड दूसरी में ओवर एक्टिंग होगी तो अब जैसे मैंने कहा वो कर ले तो मैं कहती ओके okay, सर सो क्यूट लेकिन एटलीस्ट मेरी भरास तो निकल गई ना कि जो मैं चाह रही थी तो उस तरह से वैसे जब आपने बोला जुमला नहीं था आपका बोलने का और आपने बोल दिया कि मेरी बेटी क्योंकि मैं फील कर रही थी लेकिन और फिर सर ने आपको बोला कि यहाँ चुप रहना था तो बाकी एक्टर्स क्या देख रहे होते हैं आपको कहते हैं नहीं नहीं बिल्कुल मतलब सच्चे वाहिद एक ऐसा था कि जब मैं हम लोग वापस आते थे ना घर या हम जब बैठते थे कोई एक ऐसा नहीं था ना कि अच्छा चाय बनाती हूँ फ्रेश mm -hmm. हो जाए या हा हा हू हु, हु, हु ब्रेकफास्ट डिनर कोई ऐसी हर सीन वाज इमोशनली ड्रेनिंग तो वो मतलब कि हम ऐसे होते थे इट वाज वेरी हैवी तो इसलिए जब लोग कहते थे ओ गॉड इट्स सो टॉक्सिक वी कॉन्ट वॉच इट बिकॉज इवन वी फेल्ट इट

अब का था किसी ने कहा कि अच्छा पता नहीं नहीं क्या वो वो चिकन का कर, नहीं, का था था। कसम से जो मैंने पहना था। yeah, I, I think आप लोग की जॉब काफी मुश्किल है कपड़े चेंज कर खुश होते कपड़े चेंज ना करें तब भी हम खुश नहीं होते थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फाइनली इंटरव्यू खत्म हो गया I'm I'm so <laughs> yes. Yes. है कहते, कहते.

जहाँ आप ले गई मैं चल गई। इंटेंशन uh, भी यही थी। हाँ। इंटेंशन भी यही थी। थोड़ी से क्या मैं जरा मैंने किया कि एक सेकंड मुझे हैप्पी हो मुफ्त की ओवर एक्टिंग की आपके लिए कोई ओवर एक्टिंग नहीं की दिस वाज द रियल ज़ाइनब क्यों नहीं बोला मैंने देखिए रियल जिस, जिस जो आपको देखने को मिली जिनके बैरियर्स थोड़े से मुझे लगता है हमारे इंटरव्यू में नीचे आए नीचे, तो, नीचे, हाँ, नीचे तो बताया ना सबको मैंने ग्यारह बजे में पहुंच अच्छा खुद ही लगे रात हाँ जब मैसेज हुआ एम फिर दोबारा भी मैंने कहा एम मॉर्निंग याद yes. है ना

बोलना शुरू कर रही हूँ नहीं बोलेंगे नॉर्मल उर्दू में बेस्ट ऑफ लक बहुत सी अल्लाह आपको सक्सेस सकून और खुशियाँ अता फरमाएँ आपकी ज़िंदगी में और जो भी अल्लाह को लगता है कि आपके हक में बेहतर वो अल्लाह करे खैर आफियत और आसानी के साथ और जल्दी और मैं ये भी दुआ करती हूँ इंटरेस्टिंग जैसे लोग कहते हैं कि जी अच्छा, कब्र का सुकून कलमा पढ़ते हुए कब्र का सुकून कब्र का सुकून लोग कहते हैं तो मैंने कहा कि शुरू तो आसान मौत से होता है ना कुछ लोग बहुत खुशकिस्मत होते हैं सो दैट इज वन ऑफ माय ब्वांस नहीं ये बहुत अच्छी बात आपने सॉरी ये वैसे भी नहीं आपने नहीं आपने बहुत मैंने कितनी दफ़ा बोला आपकी मौत में नहीं माफ़ करे इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं मेरे आप बिल्कुल बुरी नहीं हाँ तो दुआ में दोबारा दे देती दे दे हूँ आपको अल्लाह तुशियाँ सक्सेस और सुकून और जो भी अल्लाह ताला बेहतर समझते हैं आपके लिए और आपके लिए भी बेतहाशा जहनी सुकून दिली सुकून चैन और अल्लाह मियाँ आपकी जो भी दुआएं उससे बहुत 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 ज़्यादा आपको दें इंशाल्लाह थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच अल्लाह ओके अल्लाह मुझे मार्केट यहाँ से भी निकाल रही है कहाँ गई हूँ But then you For a look what's happening <coughs> now she say Allah aapko khatam hi nahi karee duaon pe dua